बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जीन कैलमैन एक ऐसी औरत थी जिनको दुनिया सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले इंसान समझती है और उनकी उम्र 122 साल थी। वो 1875 को पैदा हुई थी और 1957 को मर गई थी। कुछ लोग इसको नहीं मानते और कहते हैं कि दुनिया में और भी लोग हैं जिनकी उम्र उनसे ज्यादा है और वो कभी नहीं मरेंगे, और बाज़ी लोग खुद को ही कहते हैं कि वो कभी नहीं मरेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि अपने आप को इमॉर्टल समझते हैं, या फिर लोग उनके बारे में कहते हैं कि वो कभी नहीं मरेंगे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो पर 100 लाइक्स हासिल करने में हमारा साथ दे, अब चलो उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है एलेक्स चियू। ये शख्स चाइना से ताल्लुक रखता है। ये 46 साल का शख्स है जो कि ये दावा करता है कि वो कभी नहीं मरेंगे। अब ये शख्स ये दावा क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं एक किस्म की अंगूठी इस्तेमाल करता हूँ जिनको इमॉर्टेलिटी रिंग्स कहा जाता है। वो कहते हैं कि जब लोग इन रिंग्स को अपने पाँव या हाथों की उंगलियों पर लगाए तो वो फिर कभी नहीं मरता। उन रिंग्स के बारे में ये बात भी कहा जाता है कि जब आप इनको पहनेंगे तो फिर इंसानी खुलिये कभी खराब नहीं होती है, तो यही वजह है कि इंसान हमेशा जिंदा रहेगा। एलेक्स चियू ये भी कहते हैं कि इसके अलावा मैं मेडिसिन बनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, और जब वो मेडिसिन बनाएंगे तो फिर वो सारी दुनिया के लोगों को देंगे। इमॉर्टेलिटी रिंग्स अमेजन पर आसानी से मिलते हैं और कोई भी इसको खरीद सकता है। इनकी कलर सफेद और सियाह होती है, लेकिन ब्लैक को ज्यादा ताकतवर तसव्वुर किया जाता है। पर हमारी यकीन तो ये है कि इंसान पानी है और वो जरूर मरेगा। आप क्या कहते हैं? दूसरे नंबर पर है लियोनार्ड जोन्स। ये एक अमेरिकन सियासतदान था जो कि 1787 में पैदा हुआ था, जो कि कहते थे कि वो कभी नहीं मरेंगे। वो ये भी कहते थे कि कोई भी शख्स इमॉर्टल हो सकता है, बस सिर्फ उनको अपने गॉड से दुआ करनी चाहिए। उनके साथ एक और शख्स भी था जो कि भी ये दावा करते थे और वो दोनों कहते थे कि वो कभी नहीं मरेंगे। फिर बहुत अरसा बाद लियोनार्ड जोन्स के साथ जो शख्स था वो मर गया। उन्होंने अमेरिकन सदर बनने के लिए भी बहुत से कोशिशें की थी और अपने आप को इमॉर्टल समझते थे, पर वो अमेरिका के सदर नहीं बने क्योंकि उनकी सपोर्ट बहुत ज्यादा कम थी। वो 1871 को अचानक मरे थे। तीसरे नंबर पर एक ऐसा शख्स है जो कि ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त का था और ज्यादातर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होता था। उनके नाम खास सीरस था। ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान जाने के बाद ये शख्स सदियों तक जिंदा रहा और उनके बारे में ये बात किया जाता है कि वो कभी जवान लगता था और कभी बूढ़ा लगता था, या फिर दरमियानी उम्र का लगता था। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो सारी दुनिया में घूमे फिरे हैं। चौथे नंबर पर है एक इमॉर्टल मॉन्क। ये 1927 के बाद है जब ये मॉन्क अपने आप को हमेशा जिंदा रहने वाला तसव्वुर करते थे, लेकिन चंद साल बाद वो बिल्कुल गुम हो गए थे। फिर 2002 में उनकी इस बॉडी को दरियाफ्त किया गया और देखा तो उनकी जल्द नरम थी और ज्यादा नुकसान उनको नहीं पहुंचा था जैसा कि और मुर्दों को पहुंचता है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो मौत और जिंदगी के बीच रहे हैं। जब 2002 में उनको पाया गया तो उनकी बॉडी को एक मंदिर में रखा गया। पांचवें नंबर पर है निकोलस फ्लेमल। आप लोग शायद इस शख्स का नाम है रिपोर्टर सीरीज से भी पहचानेंगे, जिन्होंने वही पत्थर बनाया था और डम्बुडल का एक अच्छा दोस्त भी था। रिपोर्टर की यही कहानी एक सच्ची कहानी की अक्कासी करते हैं जो कि निकोलस फ्लेमल की है। ये एक फ्रांसीसी शख्स था जो कि 1340 में पैदा हुआ था, पर सदियों बाद 17वीं सेंचुरी में लोग ये बात कहते थे कि वो अब भी जिंदा है। लोग कहते थे कि वो एक एल्केमिस्ट है जिन्होंने वही पत्थर बनाया था और इसी की वजह से उन्होंने इमॉर्टेलिटी हासिल की थी और वो कभी नहीं मरेंगे। छठे नंबर पर है मर्लिन। कहा जाता है कि ये शख्स किंग आर्थर के दरबार में एक लेजेंडरी शख्स था और किंग आर्थर खुद इस शख्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। मर्लिन के साथ बहुत ज्यादा काबिलियत थी और लोग इसके बारे में ये बात कहते थे कि ये शख्स आधा इंसान है और आधा शैतान है, क्योंकि वो अच्छे काम भी बहुत करते थे और अच्छे कामों के साथ साथ बुरे काम भी करते थे। सदियों बाद लोगों ने इस शख्स को देखा। ज्यादातर लोग इसके बारे में ये बात कहते थे कि ये वही शख्स है जो कि किंग आर्थर के दरबार में था, पर बाज लोग ये कहते थे कि ये शख्स उनकी तरह है पर वो नहीं है। सातवें नंबर पर है तीन आदमी। ईसाई लोग ये कहते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को रिजरेक्ट किया गया, पर हमारा यकीन तो ये है कि उनको आसमान बुलाया गया था, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने तीन आदमियों से कहा कि वो उन लोगों का ख्याल रखे और उनको अच्छी बातों की तलकीन करें और बुराई से मना करें। बाज़ी ईसाई ये बात भी करते हैं कि वो तीन आदमी अब भी जिंदा है और वो कभी नहीं मरेंगे, और वो लोगों की अब भी मदद कर रहे हैं और उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। आठवें नंबर पर है अकिलीज।
मुझे यकीन है कि आपने तो अकिलीस का नाम सुना ही होगा। उनका पूरा नाम अकिलीस हेल्स था। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक लेजेंडरी वॉरियर था और उन्होंने ट्रोजन वार में भी हिस्सा लिया था। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये शख्स कभी नहीं मरेगा और उनका कुछ नहीं होगा। उनके जिस्म में सिर्फ एक छोटी सी जगह थी जिनकी वजह से वो मर सकता था और वो थी उनकी टखना या एंकल। बाद में उनको एक जंग में एक जहरी तीर से उस जगह पर मारा गया था तो इसी वजह से वो मर गया था। नवे नंबर पर है एसटी जर्मेन। ये एक यूरोपियन शख्स था जो कि 1691 में पैदा हुए थे और उन्होंने साइंस, आर्ट्स और फिलासफी में बहुत ज्यादा काम किया है। उन्होंने इसी शरबत तैयार की थी कि वो कहते थे कि मैंने इस शरबत को पिया है और मैं कभी नहीं मरूंगा। बाज लोग उसके बारे में कहते हैं कि वो 300 साल तक जिंदा थे, पर रिकॉर्ड ये बात बता रहे हैं कि वो 1787 को मर गए थे और मरने के वक्त उनकी उम्र 93 साल थी। उनके बारे में 1970 में भी लोग बता रहे थे कि वो अब भी जिंदा है। और 10वें नंबर पर है क्विंची हुआंग। ये एक चाइनीज किंग था जो कि 400 साल तक किंग रहा। ये बात कहा जाता है कि चाइना की जो बड़ी दीवार है वो दीवार उन्होंने बनाई थी। लोग इसके बारे में ये बात कहते थे कि ये शख्स कभी नहीं मरेगा और हमेशा जिंदा रहेगा और वो इस बात पर बहुत ज्यादा खुश था। ये शख्स तब मर गया जब उन्होंने और उनके डॉक्टर्स ने उनको हमेशा जिंदा रहने वाला बनाने के लिए मुख्तलिफ अदवियात दिए तो शायद उनमें चंद जहरीले थे तो यही वजह है कि वो मर गया था। तो ये थी चंद लोग जो कि या तो हमेशा जिंदा रहने का दावा करते थे या फिर लोग उनके बारे में ये बात कहते थे कि ये हमेशा जिंदा रहेंगे। पर हमारा यकीन तो ये है कि जो भी दुनिया में आए हैं वो कुछ भी करके यहाँ पे नहीं रह सकते और उनको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा और वीडियो पर कम से कम 100 लाइक्स हासिल करने में हमारा साथ दें और हमें एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।